हेलो। हेलो क्या हाँ रिंकेश। हाल भाई? बस बस भाई मज़ा में। तू बता कैसा है। बढ़िया। अरे बता भाई। अपने पाई नेटवर्क में क्या चल रहा है भाई? पाई नेटवर्क, पाई क्रिप्टो, लक्ष्मी देवी। हाँ चल रिंकू एक बात बता, तू मेरे को जब भी तेरे माइंड में क्रिप्टो करेंसी का नाम आता है हाँ तो सबसे पहले तेरे माइंड में क्या आता है। भाई, जब सबसे पहले बिटकॉइन का, या बिटकॉइन ही आता है। बिटकॉइन का नाम आता है। हाँ अच्छा तू जानता है एक बिटकॉइन की क्या वैल्यू है प्रेजेंट में। हाँ बिटकॉइन की प्रेजेंट में वैल्यू है करीब 56-57 लाख के करीब। 56-57 लाख रुपए का एक बिटकॉइन। हाँ यार रिंकू देख क्या प्रोग्रेस मारी है यार। मतलब बिल्कुल यदि किसी बंदे ने देख, बिटकॉइन 2009 में आया था, ठीक है, जी 2009 में कुछ भी वैल्यू नहीं थी इसकी, नथिंग। 2010 में ये एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ, ठीक है, और आज जी 2024 है मेरे भाई। जी आज इसकी वैल्यू कितनी बता रहा है, 56-57 लाख 57 लाख रुपए आज एक बिटकॉइन की वैल्यू है मेरे भाई। बारह बट पंद्रह रिंकू, साल में। हाँ बट रिंकू ये मान के चल तू मेरे भाई, अपना जो पाई नेटवर्क है ना, ठीक है, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो देख बोलूँगा नहीं, पर बिटकॉइन को भी मात दे सकता है, ठीक है। प्राइस की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा, बाकी रिंकू पाई नेटवर्क ने बिटकॉइन से भी स्ट्रांग कम्युनिटी अपनी बना ली है, ये मान के चल तू, ठीक है। हाँ बिल्कुल 60 मिलियन पाइनियर्स यार, 60 मिलियन पाइनियर्स पाई नेटवर्क के साथ जुड़ चुके हैं। और पाई नेटवर्क की और बिटकॉइन की दोनों का यदि कंपैरिजन करें ना रिंकू, देख पाई नेटवर्क जो है ये मान के चल इसकी जो सप्लाई है वो जी। है 100 बिलियन, ठीक है। अभी इसकी सप्लाई है वो आइडेंटिफाई नहीं हुई है, इसकी जो एग्जैक्ट सप्लाई है ना वो अभी पता नहीं है, बट इसकी मतलब जैसे व्यूज़ आते हैं, इसके रिव्यू आते हैं, उसके हिसाब से पता लगता है इसकी सप्लाई है 100 बिलियन, ठीक है। और जी बिटकॉइन की सप्लाई है प्रेजेंट में 21 मिलियन ओनली, ठीक है। जी तो लोग कहते हैं कि बिटकॉइन की सप्लाई तो 21 मिलियन ही है और पाई नेटवर्क की जो सप्लाई है वो 100 बिलियन है, तो इसके जो रेट हैं वो कभी भी ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। अच्छा तो जो मुझे और रिंकेश को जो भी सुन रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जो इसकी 100 बिलियन की सप्लाई है ना रिंकू, जैसा मैं सोचता हूँ, मेरे हिसाब से इसकी 100 बिलियन की सप्लाई भी कम पड़ने वाली है, ठीक है। क्यों पड़ने वाली है, इस वजह से पड़ने वाली है कि पाई नेटवर्क ने एक तो क्या करा है रिंकू, अपना बहुत ही स्ट्रांग मजबूत इकोसिस्टम बना लिया है, ठीक है। इसकी जी खुद की ब्लॉकचेन है, मतलब पाई नेटवर्क का जो भी कुछ है ना वो सब सब कुछ खुद का है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल एक्सचेंज पे यदि लिस्ट होगी तो ऑलरेडी जिन बंदों ने केवाईसी कर चुके हैं, ठीक है, वो ही बंदे वहां पे पाई नेटवर्क का लेन देन कर पाएंगे, ठीक मतलब है। अपने वॉलेट से भेज पाएंगे। बाकी एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बाद एक्सचेंज की खुद की केवाईसी होती है, वहां से बंदा जाके पाई नेटवर्क के सिक्के को खरीद सकता है, बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो माइन किए हुए कॉइन है रिंकू, जिस बंदे का केवाईसी और माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही वो बंदा अपने माइन किए हुए कॉइन को अपने वॉलेट में ले सकता है। ठीक तो है जी भाई एक ही बात है कि इसकी 100 बिलियन की जो सप्लाई है ना वो भी कभी ना कभी कम पड़ सकती है। क्यों पड़ सकती है, क्योंकि पाई नेटवर्क ज्यादातर क्या कर रहा है रिंकू, जो भी लोग है ना जिनके कॉइन जो माइग्रेशन होके वॉलेट में आ चुके हैं, ठीक है, जी कुछ के कॉइन तो ऑटोमेटिक लॉक हो रहे हैं और कुछ लोग अपनी इच्छा से कॉइन को लॉक कर रहे हैं, ठीक है। सपोज कर जैसे तेरे कॉइन है, तेरे कॉइन माइग्रेशन होकर तेरे वॉलेट में आ गए, वॉलेट में आने के बाद तूने यदि गलती से या जानबूझकर कैसे भी यदि अपने कॉइन को 3 साल के लिए लॉक कर दिया तूने, जी तो तू 3 साल भूल जाना, हाँ समझ रहे भूलना ही हैं। पड़ेगा, तो वो तो लॉक इन हो जाएंगे। बिल्कुल, तेरे कॉइन यदि 3 साल के लिए लॉक हो चुके हैं, गलती से हुए, जानबूझ के हुए, कैसे भी हुए, तो 3 साल तक तू पाई कॉइन के सिक्के को अपने वॉलेट से निकाल नहीं सकता मेरे भाई, ठीक है। तो मैं सभी पायनियर से एक ही बात बोलना चाहता हूँ, यदि आप अपने कॉइन को लॉकअप में लगाना चाहते हैं तो एटलीस्ट अभी जो समय चल रहा है ना वो ऐसा, मतलब प्रिसाइस टाइम चल रहा है, इस समय लॉकिंग करना, एक लंबे समय के लिए लॉकिंग करना शायद ठीक नहीं है, ठीक है। यदि लॉकिंग ही करना है तो आप करो 6 महीने के लिए लॉक कर दो पाई कॉइन को, ठीक है, यदि आपको लग रहा है, और वैसे मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, यदि आप करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे कोई जरूरी भी नहीं है, ठीक है ब्रदर। देख पाई नेटवर्क की जो कम्युनिटी के बारे में मैंने तुझे बताया, बिटकॉइन की इतनी स्ट्रांग कम्युनिटी नहीं है जितनी स्ट्रांग कम्युनिटी पाई नेटवर्क की है, ठीक है। बिटकॉइन का मालिक कौन था, शायद अब इस दुनिया में वो है भी नहीं, ठीक है, अच्छा बिटकॉइन का जो मालिक है, हालांकि बिटकॉइन जो है डिसेंट्रलाइज्ड है, इसका कोई ओनर नहीं है, किसी का मालिकाना अधिकार नहीं है इस पे, ये सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड है, ये मार्केट के फ्लक्चुएशन के ऊपर चलता है, ठीक है। मार्केट में जो वेल्स बैठे हैं ना रिंकू, वेल्स का मतलब क्रिप्टो में बोलते हैं वेल्स, मतलब जिनके पास अथाह कॉइन होते हैं, ठीक है, जो बड़े मगरमच्छ होते हैं,
ठीक है। जैसे सपोज कर तूने देखा होगा मार्केट में फसल, जब फसल होती है तब लोग क्या करते हैं, जैसे मान ले सरसों की फसल है ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, जो बड़े वेल्स होते हैं, जो बड़े लाला होते हैं, सेठ होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक बड़ी मात्रा में अपना स्टॉक लगा लेते हैं ठीक है। वो बड़ी मात्रा में स्टॉक लगा लेते हैं, मतलब जितने भी जमींदार किसान वगैरह होते हैं उनसे एक ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में स्टॉक खरीद के अपने पास रख लेते हैं वो। तो उसकी वजह से क्या होता है रिंकू, मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है, इस वजह से उस चीज के रेट बढ़ जाते हैं ठीक है। वो लाला क्या करता है रिंकू, जब उसको लगता है ना, सपोज कर उसने सरसों 500 रुपए के भाव में खरीद ली ठीक है, जब मार्केट में सरसों बचेगी नहीं, सिर्फ एक बंदे के पास या 10 बंदों के पास उस चीज का स्टॉक रहेगा, तो रिंकू वेल ऑब्वियस उसकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी और उसके रेट भी बढ़ेंगे, मानता नहीं मानता। तो वो लाला क्या करता है, जब उसको लगता है कि हाँ यार अब इसके भाव है डेढ़ गुना हो चुका है, दो गुना हो चुका है, तो वो क्या करता है, उस सरसों को बाजार में फेंक देता है और एक वो मोटा पैसा कमा लेता है उस चीज से ठीक है। तो इसकी वजह से क्या करता है, जैसे ही मतलब सप्लाई ज्यादा हो जाती है और डिमांड भी जैसे अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग डिमांड भी बढ़ती चली जाती है, तो क्या होता है उसका जो प्राइस है ना वो डाउन होने लग जाता है, समझ रहे जी। हाँ, तो उसका प्राइस जो होता है वो डाउन होने लग जाता है। वो सेम स्कीम अपनाता है लाला, फिर से जैसे उस चीज को कैप्चर कर लेता है जब उसके भाव बढ़ते हैं, फिर बेच देता है। इसी तरीके से क्रिप्टो में रिंकू वेल्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में किसी भी कॉइन को परचेज कर लेते हैं ठीक है। जब उनको लगता है कि मार्केट काफी अप जा चुका है तब वो उसको सेल कर देते हैं, और जैसे ही उसको वो सेल करते हैं तो काफी लोग उसमें फंस जाते हैं, समझ रहे हैं, काफी लोग उसमें फंस जाते हैं, और वो लाला जो है वो जो क्रिप्टो का जो वेल है वो चंगुल से बाहर आ जाता है और अपना अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लेता है। तो सेम तरीके से ही रहता है मेरे भाई, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड रहते हैं ये कॉइन्स, ये सब मार्केट में जो वेल्स बैठे हैं, जो मगरमच्छ बैठे हैं, वो सब इन चीजों को फ्लक्चुएट करते हैं ठीक है। तो बिटकॉइन को भी मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ मेरे भाई, जो पाई नेटवर्क का सिक्का जो तेरे पास है वो बिटकॉइन को भी मात दे सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है, पाई नेटवर्क ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है ठीक है। पाई नेटवर्क की कोशिश है कि दुनिया में जितने भी बंदे हैं, एंड्रॉयड यूजर हैं, एप्पल यूजर हैं, आईफोन, जो भी यूजर्स जो हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वो सारे के सारे बंदों की एक कम्युनिटी बनाना चाहता है पाई नेटवर्क। व्हाट्सएप को जोड़ना चाहता है, फेसबुक को जोड़ना चाहता है, ट्विटर को जोड़ना चाहता है, इंस्टा को जोड़ना चाहता है, और खुद का प्रोफाइल पेजेस भी उसने बना दिए हैं ठीक है। इसकी कोशिश है जितने भी सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो एक साथ जुड़ जाएं। देख रिंकू, इसकी जो प्लानिंग है ना मेरे भाई पाई नेटवर्क की, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के साथ पाई नेटवर्क काम कर रहा है ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है जो उसके फाउंडर हैं डॉक्टर निकोलस, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। तूने देखा होगा रिंकू, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 दिन में पाई नेटवर्क की तरफ से एक न एक अपडेट आती रहती है। पर बिटकॉइन का सिलसिला क्या है, वो ही जो 2010 से जो बिटकॉइन चल रहा था ठीक है, अपडेट के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, वही माइन होता रहता है, बिटकॉइन चलते रहते हैं, रेट फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, इसका मालिक कौन है, मतलब इतनी कोई बड़ी अपडेट इसके बारे में नहीं मिल पाती ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ रिंकू, देख होता क्या है, जैसे सपोज कर एक छोटा सा एग्जांपल अपन देखते हैं, प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेते हैं ठीक है। जैसे सपोज कर एक प्रॉपर्टी के रेट है 50,000 रुपये गज ठीक है, और एक प्रॉपर्टी के रेट है 5,000 रुपये गज ठीक है। तो तुझे यदि इन्वेस्टमेंट करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉपर्टी अपने खुद के लिए ले रहा है, यदि तुझे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो 5,000 गज वाली प्रॉपर्टी लेगा या 50,000 गज वाली प्रॉपर्टी लेगा? 5,000 वाली लेंगे। 5,000 वाली लेगा ना, क्योंकि तुझे उसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है कि हाँ ये मेरी 5,000 वाली प्रॉपर्टी है, ये आने वाले समय में 7,000-10,000 तक भी जा सकती है। बट यदि कोई बंदा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यदि 50,000 रुपये गज की प्रॉपर्टी लेता है तो शायद उसमें प्रॉफिट के चांसेस होते हैं ना वो कम हो जाते हैं ठीक है, कम होते हैं, उसके जो बायर्स होते हैं वो भी कम होते हैं, प्रॉफिट के चांसेस भी कम होते हैं, सारी चीजें कम होती है। इसी तरीके से रिंकू बिटकॉइन का फिलहाल जो इन्वेस्टमेंट है ना, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं, हालांकि देख वो तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर जो छोटे लोग हैं, जो आम आदमी है तेरे मेरे जैसे, वो शायद उस करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा वाजिब नहीं समझते हैं, क्योंकि मतलब देख मेंटेलिटी एक जैसी है लोगों की, लोग सोचते हैं कि यार इसका जो रेट है ना वो आप जा चुका है, जितना जाना था उतना बिटकॉइन को जा चुका है, वो हमेशा क्या करते हैं छोटे कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे उनको प्रॉफिट भी मिल जाता है। तो मेरे भाई जब पाई नेटवर्क का जब ओपन मैंडेट आ जाएगा, जिस दिन पाई नेटवर्क का जलवा दिखेगा, जैसे डॉक्टर निकोलस ऑलरेडी बोल चुके हैं 28 जून को कि नेक्स्ट पाई टू डे से पहले पहले हमारा ओपन मैंडेट
आ जाएगा, आ जाएगा। तो रिंकू पाई नेटवर्क में जो ग्रोथ के चांसेस है ना मेरे भाई, जो बढ़ोतरी के चांसेस है वो काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं कि ये कॉइन एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद 2025 तक एक अपनी अच्छी खासी वैल्यू बना के तैयार कर लेगा। ठीक है, और बाकी यार देख रिंकू, हर जगह पे पायनियर्स एक्टिव हैं, इंडोनेशिया ले ले, कंबोडिया ले ले, गल्फ कंट्रीज ले ले, हर जगह, अपने इंडिया में भी ले ले। इंडिया में भी रिंकू तू देखेगा ना, घूमेगा ना, ज्यादातर मतलब यूजर्स है ना तुझे पाई नेटवर्क के मिल जाएंगे। ठीक है, काफी मिल जाएंगे। हाँ, बहुत से यूजर्स है पाई नेटवर्क के, अथाह यूजर्स पाई नेटवर्क के पड़े हैं। और पाई नेटवर्क में फिलहाल रिंकू लोग है ना इतना जबरदस्त स्कैम करने लग गए हैं मेरे भाई। मैं स्कैम के बारे में तुझे हर बार बताता हूँ मेरे भाई, जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं मार्केट में ये किसी को नहीं छोड़ रहे। ठीक है, ये लोग ऐसे ऐसे झांसे दे रहे हैं, ऐसे ऐसे लिंक भेज रहे हैं, यदि लिंक पे क्लिक करता है ना तो तेरे पाई नेटवर्क का जो वॉलेट है ना, बिना कुछ करे तू अपनी की भी नहीं बताएगा ना तो भी तेरा वॉलेट जीरो हो जाएगा, ये मान ले। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं मार्केट में जो पाई नेटवर्क को स्कैम करना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। ठीक है ब्रदर, तो बिटकॉइन और यदि पाई नेटवर्क का यदि कंपैरिजन करते हैं तो रिंकू, पाई नेटवर्क भी एक दिन बिटकॉइन को मात दे सकता है। ठीक है भाई, और देख आज जो पाई नेटवर्क, आज तूने माइनिंग करी थी इसकी? अभी टाइम नहीं हुआ। अच्छा, अभी टाइम नहीं हुआ। ठीक है, माइनिंग तो पर डे करता हूँ। माइनिंग पर डे करता है, पता है मुझे। आज पाई नेटवर्क के तू होम पेज पे जाके देखना रिंकू, पाई नेटवर्क ने क्लियर क्लियर रिमाइंडर दिया हुआ है, वो ही वाला ग्रेस पीरियड जिसके बारे में अपन पिछले दिनों से बात कर रहे हैं ना, कि आप 30 सितंबर तक तो अपनी केवाईसी कर लो भाई। जो भी बंदे की केवाईसी नहीं हुई है, मैं उन सभी से एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि 30 सितंबर से पहले केवाईसी कर लो। यदि केवाईसी में कोई दिक्कत आती है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मिल जाएगा। SR क्रिप्टो न्यूज को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, वहां पे पाई नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी अपडेट आती है हमारी कोशिश रहती है आप तक डिलीवर करने की। इसके अलावा रिंकू, 31 दिसंबर 2024 तक जिस बंदे का माइग्रेशन कंप्लीट हो जाता है वो आ रहा है, वो पा रहा है। ठीक है, अदरवाइज जो केवाईसी नहीं कर पाता है, अपने माइग्रेशन को कंप्लीट नहीं कर पाता है या अप्लाई नहीं कर पाता है, ठीक है, वो बंदा इस दौड़ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर मैसेज है पाई नेटवर्क की तरफ से। और इसके अलावा मेरे भाई, जो देख एक सबसे बड़ा इशू फिलहाल चल रहा है, वो चल रहा है सिक्योर योर अकाउंट को लेकर। मेरे साथ भी वो इशू है। ठीक है, पाई नेटवर्क का जो पांचवें नंबर का ऑप्शन है सिक्योर योर अकाउंट, आपके अकाउंट को सिक्योर करने के लिए आपको क्या होता है, अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो काफी पायनियर्स के कॉल्स आते हैं, मैं उन सभी को एक ही बात बोलना चाहता हूं, यदि वो मुझे सुन रहे हैं, कि सिक्योर योर अकाउंट वाला जो ऑप्शन है वो अभी तक मोस्टली पायनियर्स का कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, पैसे कट रहे हैं, चार्जेस कट रहे हैं, इंटरनेशनल मैसेज जाता है, 5-6 रुपए कट जाते हैं, बट वो सक्सेसफुल क्रिएट, सक्सेसफुल डिलीवर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो सिक्योर योर अकाउंट का ऑप्शन जब भी अवेलेबल होगा, जब भी मैं अपने आप को सिक्योर कर पाऊंगा, अपने आपके मोबाइल नंबर को सिक्योर कर पाऊंगा पाई नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पर, जब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है ब्रदर, तो माइनिंग को स्टार्ट रख। जैसा मैंने तुझे बताया है कि भाई शायद बिटकॉइन की कम्युनिटी भी, इथेरियम की कम्युनिटी भी पाई नेटवर्क की कम्युनिटी के आगे फेल हो सकती है आने वाले दिनों में। ठीक है, देख कम्युनिटी बनाना ही कोई बड़ी बात नहीं होती है यार। देख हेमस्टर का एग्जांपल ले ले, हेमस्टर ने 300 मिलियन की कम्युनिटी बना ली यार, 30 करोड़ लोग हेमस्टर के साथ जुड़ चुके। ठीक है, बट पाई नेटवर्क अपना अलग है यार। ठीक है, पाई नेटवर्क कुछ डिफरेंट है। सो ब्रदर, कीप माइनिंग, बी हैप्पी। लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, यदि आप सभी लोग रिंकेश और सुभाष को सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। ओके ब्रदर।